सीतापुर के कस्बा सिधौली में एक साड़ी सेंटर में आग लग गई। आग लगने से काफी भारी नुकसान हो गया। वहीं इस नुकसान के साथ बगल में सो रही दुकान मालिक की जो दादी थी उनकी दम घुटकर मौके पर मौत हो गई। कैसे ये आग लगी और कहां लगी, हमारे साथ आइंडे के सिधौली संवाददाता राजेश यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के लिए। बताएं राजेश जी। जी, सिधौली कस्बे के में तहसील रोड पर स्थित कोतवाली से महज 200 मीटर की दूरी पर एक शोभना साड़ी सेंटर है। ये कई वर्षों से जो है यहाँ पर जो साड़ियों का थोक और फुटकर दोनों तरह की बिक्री होती थी और आज लगभग 12:30 बजे रात को शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने के बाद पास के कमरे में लेटी हुई दुकान मालिक जो रोमी सिंह है उनकी 80 वर्षीय दादी अमृत कौर की दम घुटने से मौत हो गई है। कितने का नुकसान होना बताया जा रहा है? यहाँ लगभग 80 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल ये आंकड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर नीचे दुकान और ऊपर मकान होने के कारण दुकान सहित घर का सारा सामान भी जलकर खाक हो गया है। हालांकि मौके पर जो तीन थानों अटरिया सिधौली और कमलापुर की पुलिस मौके पर पहुंची थी, उप जिलाधिकारी अजय सिंह तथा सीओ यादवेंद्र यादव भी मौके पर रांची को पहुंच गए थे और इसी के साथ में जो जनपद की मिश्रित दुकान महमूदाबाद और सिधौली से लगभग आधा दर्जन फायर ब्रिगेड गाड़ियां भी बुलाई गई थी जिनकी भारी देर मतलब 3 घंटे की मशक्कत के बाद कुल मिलाकर जब घर और जो है साड़ी सेंटर था वो जल करके खाक हो गया उसके बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि यहां पर पुलिस ने आसपास के जो मकान थे उनको खाली करवा लिया था और वहां पे किसी तरह की कोई जो है घटना नहीं हुई है। मतलब आग इतनी भयावह थी कि जो है तीन थानों की पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, वहीं तीन तहसील की जो है फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन गाड़ियां भी आई थी लेकिन 3 घंटे तक कड़ी मशक्कत करने के बाद भी फायर ब्रिगेड जो है जब आग पर काबू पा गया तब तक सब कुछ दुकान व मकान जलकर खाक हो गया था। करीब 80 लाख का अनुमान बताया जा रहा है कि नुकसान का। वहीं शोभना साड़ी सेंटर जिसमें आग लगी थी उसका कारण जो अभी तक का जानकारी मिल पा रही है वो शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। और रोमी साड़ी जो दुकान रोमी सिंह जो दुकान के मालिक हैं उनकी दादी बगल कमरे में सो रही थी अमृत कौर, उनकी दम घुटने से मौत हो गई है। जैसे तैसे उनको जब बाहर निकाला गया तब तक वह मृत थी और दुकान के जो मालिक थे वहीं ऊपर सब लोग पूरे परिवार का सो रहा था। जब जैसे ही यह आग की लपटें लगी उनको एहसास हुआ तो वो सब लोग पूरी अपनी जान बचाकर भागे बाहर और पुलिस को सूचना दी। जो पूरा अनुमानित आंकड़ा है वो 80 लाख का बताया जा रहा है। अब आगे जांच का विषय कि आग किन कारणों से लगी है। तो पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। देखिए आज रात 12:30 के आसपास थाना पुलिस से सूचना मिली गोविंद नगर में, ये कुलवंत सिंह जी हैं, उनकी अपनी नीचे दुकान है, ऊपर वो लोग रहते हैं, उनके घर में आग लगी है। तत्काल मौके पे लोकल पुलिस फायर ब्रिगेड सभी लोग पहुंचे, आग बुझाने की कोशिश की गई। वह यहाँ आस पास के बिस्वा महमूदाबाद सिधौली सीतापुर और मिश्रित इन सभी जगहों से जो फायर स्टेशन की गाड़ियाँ आई सभी की और लगातार कई घंटों की मशक्कत के बाद ये आग बुझा ली गई। यहाँ मौके पे यहाँ पे हमारे जिले के मुख्य अग्निशमन अधिकारी जेको साहब मौजूद हैं, हमारे डीएम सिधौली साहब हैं, वो आसपास कितने थाने की फोर्स थी सभी लोग मिलके इसको आग को बुझाया गया। घटना में प्रथम दृष्टया निकल रहा है कि शॉर्ट सर्किट से इसका कारण आग लगी। घटना में जो मुख्य उनकी दुकान थी कुलवंत सिंह जी की माता जी की मृत्यु होने की बात आई है प्रकाश में, आग में वहाँ पर घर के अंदर थी वो काफ़ी इनकी जो जान जो माल के नुकसान हुआ है उसका अभी अनुमानित लगा रहे हैं लोग और अभी वर्तमान में स्थिति कंट्रोल में है, आग बुझ चुकी है, वह सब कुछ सकुशल है। खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।